फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और भाई दूज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये वेदिक्स में ये ज़्यादातर 3 बॉटल ही आते हैं। ये हेयर शैम्पू है और ये हेयर ऑयल है और ये हेयर सीरम है। बट इस समय ये ऑफर सीजन चल रहा था फेस्टिव सीजन का, तो मुझे ये बूस्टर ऑयल अलग से मिला है और ये काफ़ी हेल्पफुल है बालों के लिए, जिसके बाल ज़्यादा झड़ रहे हों, डैमेज हो गए हों या बहुत ही ज़्यादा थिन हो गए हों, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे मंगाने के लिए इसके साइट पे जाके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं और फिलअप करने हैं। और ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल नहीं है, मीशो पे भी नहीं है, बस कुछ एक ऐप है, ऐप पे ही मतलब ये अवेलेबल है। इसे लगाने का मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें, किस दिन आपको शैम्पू करना है, किस दिन हेयर ऑयल करना है, किस दिन आपको सीरम लगाना है और किस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हो जाएंगे, सिल्की शाइन हो जाएंगे और झड़ेंगे भी नहीं। तो अगर आपको बाल धुलने हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आपको बाल धुलना है जिस दिन, तो रात में सबसे पहले आपको ये हेयर ऑयल लेना है। ये देखिए, इसमें पिंच करके आपको शेक करना होगा सेफ्टी पिन से या किसी भी चीज़ से, और इसे मतलब कुछ बूंदे ऐसे हाथ पे या कटोरी में लेके। और अगर बूस्टर ऑयल आपको मिला है तो ये देखिए, ये ड्रॉपर में है, 2 से 3 बूंदे ये बूस्टर ऑयल की होगी। अगर ये आपको नहीं मिला है तो सिर्फ ये हेयर ऑयल आपके बालों में अच्छे से डैप डैप करके लगाना है, अपने हाथों की उंगलियों से या फिर रुई के फाहे से लगाना है। मसाज बिल्कुल नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे लगा के और बस जूड़ा बना के बालों में सो जाना है। नेक्स्ट डे आपको ये शैम्पू से हेयर वॉश करना है। इस शैम्पू को डायरेक्ट बालों में कभी मत लगाइएगा, इसे इसकी कुछ बूंदे मतलब जितना भी आपके बालों की लेंथ है उस हिसाब से इस शैम्पू को थोड़े से पानी में मिक्स करके फिर उसी से अपने बालों को शैम्पू करना है। और रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बालों की जड़ें वैसे भी कमज़ोर हैं, तभी झड़ रही हैं। तो आपके अपने बालों में शैम्पू कर लेना है और जब आपके बाल हल्के गीले हों और हल्के सूखे हों तब उसमें आपको ये सीरम यूज़ करना है। ये सीरम देखिए ड्रॉपर में है, ये हथेली पे लेके नहीं, ये ऐसे थोड़े थोड़े सेक्शन लेके बालों के और डायरेक्ट उसमें ऐसे लगाना है आपको बालों की जड़ों में, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। इसे स्कैल्प पे ही लगाना है, बालों की लेंथ पे नहीं लगाना है। और बालों के स्कैल्प पे लगा के बहुत ही हल्के से ऐसे ऐसे डैप डैप करके उसे छोड़ देना है। उसके बाद जब ये सूख जाए और बहुत ही मतलब इसकी स्मेल भी अच्छी है और अच्छे से मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है, सूख भी जाता है जल्दी से, और जब ये सूख जाए तो आप कंघी करें। आप गीले बालों में बिल्कुल भी कंघी मत करिए, अदरवाइज वो और कमज़ोर हो जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को आप एक बार ज़रूर अपने बालों पर ट्राई करिए। और अगर आपको ये मिलता है तो इसे हेयर ऑयल में मिक्स करके लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसे ख़रीदने के लिए आप इसकी साइट पे जाके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसकी बॉक्सिंग भी देखिए बहुत अच्छी है, ये जूट का बैग दे रखा है, मुझे इसी में मिला था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने वैदिक शैम्पू का यूज़ किया है और किसे किसे ये सूट किया, किसे नहीं, तो ये भी बताइएगा। वैसे मेरे बालों में तो काफ़ी सूट किया है, मेरे बाल काफ़ी थिन हो गए थे, काफ़ी झड़ रहे थे और आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे बाल अब पहले से काफ़ी सही हो गए हैं। तो किसने किसने ये यूज़ किया है वैदिक्स का शैम्पू, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।